हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन ब्लॉग अपलोड नहीं किया, बनाया ही नहीं क्योंकि एंट्रेंस था और ऐसा कुछ हैवी नहीं था, बट तो पर भी अभी भी रियाज ही चल रहा है और आज है एंट्रेंस और अभी बजे हैं सुबह के 5। तो करता हूँ मैं थोड़ा सा रियाज वाज और उसके बाद कर देना एंट्रेंस। उससे पहले थोड़ा लुक्स चेंज करना है तो वो करके उसके बाद फिर 10 o'clock से एंट्रेंस है तो एंट्रेंस देंगे, और एंट्रेंस के बाद फिर हो जाऊंगा फ्री तो फिर एकदम रेगुलर ब्लॉग एकदम अपलोड करूंगा। तो हो चुका है रियाज, जो भी थोड़ा बहुत होना था अब थोड़ा निकलते हैं बदलाव के लिए, तो बदलाव आपको थोड़ी देर में दिखेगा। तो हमारी दादी भी आ चुकी है। दादी गुड मॉर्निंग बोल दो तो। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम आते हैं थोड़ी देर में। लुक हो गया चेंज। आई डोंट लाइक इट। तो आप देख सकते हैं मेरा लुक हो चुका है चेंज। एंट्रेंस के लिए सेटअप भी हो चुका है तैयार, यहीं पे रहेगा स्टैंड और ये हो रहा है पीसी ओपन। तो अभी करता हूँ जल्दी से नाश्ता, क्या बनाया देखता हूँ, उसके बाद फिर देता हूँ एंट्रेंस। एंट्रेंस देने के बाद आपसे फिर मिलूँगा। एंट्रेंस हो गया और अभी टाइम हो रहा है 1:30, मतलब 30 नहीं हुआ, होने वाला है। तो ये हमारा सेटअप है। शर्ट मैंने ऊपर पहना है, टी शर्ट, और नीचे जैसे अगर हम लोग ऐसे फिल्मों में देखते हैं कि कोई न्यूज़ एंकर है तो ऊपर बहुत वेल ड्रेस्ड है, ऐसे वेल ड्रेस्ड तो ऊपर भी हम नहीं है बट वेल ड्रेस है नीचे। तो नीचे हमने पहना है जॉगिंग पैंट। दुकान में और ये हमारा छोटा सा मोबाइल है जिसमें रिपेयरिंग सेंटर, तो क्योंकि हो चुका था दोनों मोबाइल ख़राब और नानी जी का भी मोबाइल थोड़ा, नानी जी आज हमारी आई हुई हैं उनका भी मोबाइल था ख़राब, इसलिए मैं आया हूँ मोबाइल सेंटर। हाँ तो आ गया हमारा दूध और मम्मी अंकल जी अंकल नानी जी बाबूजी नाती जी नानी की बेटी जी हाय नानी का छोटी है तू नानी देखो नानी चलो अब तुम नानी उधर बैठेंगे। हाय फादर हाय। हाँ तो पापा जी का हो चुका है बैंडेज क्योंकि तबीयत था खराब और पापा जी खा रहे हैं, वाह देखिए व्हाट अ फूड। पापा जी एकदम झकास। ये वो हमको सब आज हम इनको कहें कि जी बाल छोटा छोटा नहीं रखिए, पहले कितना मस्त बाल रखते थे। अब बताइए चम्मच व्हाट अ डाइट, बताइए नाश्ता होना चाहिए इससे एकदम मज़ा आ जाए क्या पापा जी गजब। हमें पापा को बोले हैं ना कि बाल छोटा छोटा ना रखे, एकदम इतनी को करवा देते बच्चा की तरह, छोटा बच्चा की तरह, बच्चा की तरह ही बूढ़ा को बनना चाहिए। मतलब पापा पापा को हम लोग बूढ़ा बना दिया। दिल है कथी, दिल जवान होना चाहिए। उम्र बचपन का, दिल है बचपन का। क्या बोली है, क्या बोली है पापा, वाह मैंने पापा जी को बूढ़ा मत बोलो, पापा जी जान जाइए। उम्र है पचपन के, दिल है बचपन के। उम्र पचपन और दिल, मेरा टाइटल यही है उम्र पचपन दिल बचपन, तब मजा आता है जिंदगी का रस। वाह माँ एक है पंपकिन। हमारे पापा जी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं इसलिए शाम को पंपकिन सीड आप लोग भी खाया कीजिए, अभी बहुत सेहतमंद वो भी खाया गया जी, वो भी कभी कभी वैसे फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। चलिए तो थोड़ा हम भी नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर क्या बनता है खाना देखते हैं। व्हाट अ पंपकिन सीड। तो मैंने भी ले लिया बड़ा सा कटोरा लेकिन उसमें है सब चीज़ छोटा सा। मम्मा इसमें और डालो, ये तो बूंदी हो गया, ये वाला थोड़ा सा डाल दो। तो ये पापा जी लाए थे कोलकाता से, मैंने भी रख लिया है ये बूंदी में, ये पापा जी जो कोलकाता से लाए थे, अच्छा लगता है खाने में उसे, नाश्ते के लिए सही है दो तीन। उसके बाद गर्म पानी, फ्रेश कॉफ़ी, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे पी सकते हैं। अब इसमें हम रखेंगे सेव जो कि खाने बहुत बढ़िया लगता है, जो कि यहाँ का लक्ष्मी का बहुत मस्त सेव मिलता है। मम्मी मुझ पर धावा बोलती है, कभी ख़त्म हो गया सेव, बताइए मम्मी ना ले कर दो ना, तो हम पूरा रख लेंगे। आए
आप क्या मतलब कैसी माँ हो बताइए कि बेटा को नहीं देती है, वह बड़का बेटा रहता है अभी तो बस जो कहता है सही बात है। सुन रहे हैं ना, बड़का बेटा भी ब्लॉग तो जरूर देखेंगे तो बड़का बेटा सुन जाइए, आपके चलते मेरा बहुत बुरा हाल कंडीशन। मम्मी से देखी दो मम्मी से, ए मम्मी ओझ मत करो, एक दिन में नहीं एक एक चम्मच हमको सेव मिला है, मात्र एक चम्मच। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और ये हम किसको बोलेंगे, किसी को बोल के फायदा नहीं है सब। अत्याचार होना है तो होगा, उसके बाद सारा काम हम ही करते हैं, पैर हम ही दबाते हैं, किचन हम ही साफ करते हैं, खाना भी हम ही बना देते हैं। ऐसा आप बनाती हो, लेकिन जब भी बीमार पड़ती हो चाहे अभी साज हम ही मारते हैं। बात है अपने बाहर देखो। अब ऐसा दिन आ गया, पहले लोग कहते थे, अब टीचर लोग भी पढ़ते हैं, यहाँ हो रही है पढ़ाई प्लस नाश्ता। टीचर लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। हमारा नेट तैयार, पापा जी अपना विश्राम करने जा रहे हैं, पापा जी जल्दी सोते हैं तो उनका, तो हम लोग भी चलते हैं पहले खाने। तो आ चुका है हमारा खाना और आज खाएंगे दादी सॉरी नानी माँ के साथ में। खाने में सेवई, चपाती, रोटी और बना है कद्दू, क्या मम्मी इसको कहते हैं, कद्दू का वड़ा या कद्दू का चप, बचका अचका जो भी। बन चुका है हमारा खाना और आज तो माँ का बल्ले बल्ले है, क्योंकि आई है नानी माँ, तो एकदम खाना कम और बात ज़्यादा होगा। खाना 3 घंटे में, बात 4 घंटे में कंप्लीट होगा। नमा तो नानी के साथ खाने में व्यस्त है तो हम उधर खा लेते हैं, क्योंकि इनके बात में इंटरफेयर करना सही बात नहीं है, पिटाई भी लग जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं भी खाता हूँ और करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। मामा कौन दिया है? थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी, भेजने के लिए आप हमको इतना प्यार करते हैं, जो एगो भेजे हैं कितना अच्छा प्यार है, जो एगो भेजे मतलब कि ना कहेंगे। देख।